नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे आलू प्याज के बिजनेस के बारे में। अगर आप आलू प्याज का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो सस्ते से सस्ता माल आपको कहाँ से खरीदना है, आलू प्याज के बिजनेस में आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, आलू प्याज के बिजनेस में आपका प्रॉफिट कितना होगा, इसमें आप कितने पैसे कमाओगे, तो शुरू करते हैं। आलू प्याज का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो 12 महीने चलता है। इंडिया के हर घर में आलू प्याज का कंजप्शन होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप बड़े से बड़े शहर या छोटे से छोटे शहर में आप आलू प्याज का बिजनेस शुरू कर सकते हो। अब बात करते हैं आप सस्ते से सस्ता आलू प्याज कहाँ से खरीद सकते हो। तो सस्ते से सस्ता आलू प्याज आपको केवल 4 स्टेट में मिलेगा। आपको वहीं से खरीदना है अगर आपको सस्ता आलू प्याज खरीदना है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, अगर आप इन 4 स्टेट से आलू प्याज खरीदते हो तो आपको सस्ते मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंडिया की सबसे ज्यादा खेती होती है आलू प्याज की। अगर आप यहीं से खरीदोगे तो सस्ते मिलेंगे, अगर आप अपने स्टेट में कहीं और से खरीदोगे तो आपको थोड़ा बहुत फर्क मिल सकता है। क्योंकि आप इस चीज को समझो, जहाँ पर जिस चीज की पैदावार ज्यादा होती है वहां पर उस चीज की कीमत कम होती है, और जहाँ पर जिस चीज की कीमत ज्यादा होती है वहां पर उस चीज की पैदावार कम होती है। इसलिए आपको आलू प्याज इन 4 स्टेट से खरीदने आपको सस्ते मिलेंगे। अब बात करते हैं आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हो इस बिजनेस में। उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, समझना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 वीडियो के लिंक है, आप इस वीडियो को देखने के बाद उन 3 वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि उनके अंदर मैंने मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत कुछ बता रखा है। जैसे कि आपको बिजनेस, देखो बिजनेस तो कोई भी स्टार्ट कर लेता है, लेकिन आगे कैसे बढ़ाना है, उसको अच्छी लेवल पर कैसे ले जाना है, अच्छे से अच्छा पैसा कैसे कमाना है बिजनेस के अंदर, ये 3 वीडियो के अंदर मैंने बता रखा है। बहुत सारे अच्छे अच्छे बिजनेस है, आप चाहो तो उनको भी कर सकते हो और उस बिजनेस को समझने की कोशिश करना। एक तो है इलायची का बिजनेस, एक है अंडे का बिजनेस और एक है काली मिर्च का बिजनेस। 3 बिजनेस बहुत अच्छे, इस वीडियो को देखने के बाद आप उन दोनों 3 वीडियो को भी जरूर देखना। अब अपन बात करते हैं आप आलू प्याज के बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हो। देखो हमारे यहाँ पे किसान क्या करते हैं, जैसे ही खेती हुई उसे तुरंत बेच देते हैं। इसमें उसका नुकसान होता है, क्योंकि देखो अब जिस टाइम पे आलू ज़्यादा होते हैं और मार्केट में उनको क्या रेट मिलती है, 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये किलो, इस हिसाब से रेट मिलती है उनको मार्केट में। तो इसी रेट पर वो बेच देते हैं और इस वजह से वो उनका इतना अच्छा अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाते। आपको क्या करना है, अभी आपने देखे होंगे बड़े बड़े होलसेलर होते हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो क्या करते हैं कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं। कोल्ड स्टोरेज में बनाकर वहाँ पर अपने आलू प्याज रखते हैं, क्योंकि आलू प्याज अगर आप ऐसे कहीं ना कहीं रख दोगे तो वो ख़राब हो जाते हैं। देखो आपका शुरुआती बिजनेस है, आपके पास इतना पैसा नहीं होगा कोल्ड स्टोरेज बनाने का, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज बनाने में बहुत पैसा लगता है। कम से कम जो मान लो आप 10 से 12 लाख रुपये तो लगते हैं एक कोल्ड स्टोरेज बनाने में। अगर आपकी खुद की ज़मीन नहीं है तब तो और भी ज़्यादा पैसा लगता है। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप कोल्ड स्टोरेज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल क्या होता है कोल्ड स्टोरेज रेंट पे मिलते हैं। जैसे आपको 1 टन रखने आलू, 1 टन आप प्याज रखने, या फिर आपको 100-200 किलो पे आलू प्याज रखने, इस हिसाब से आपको रेंट पर मिल जाते हैं कोल्ड स्टोरेज। आपको भाई इतने आलू रखने, इतने प्याज रखने, इस हिसाब से आपको कुछ पैसे लेंगे वो, और आप उनके कोल्ड स्टोरेज में अपने आलू प्याज स्टोर करके रख सकते हो। अब आपको आलू प्याज 2 से 3 महीने के लिए कोल्ड स्टोरेज में रखने हैं, क्योंकि देखो जिस टाइम पर तो बहुत सारे आलू प्याज होते हैं तो उनकी कीमत बहुत कम होती, और अभी आलू प्याज की जब शॉर्टेज आ जाएगी तब उसकी कीमत एकदम से बढ़ जाती है। अभी देखा होगा बहुत सी बार आलू प्याज 40 रुपये किलो, 50, 60, 70 रुपये किलो भी पहुंच जाते हैं। तो आपको इस टाइम का इंतजार करना है जहाँ तक इतनी ज़्यादा रेट नहीं आ जाए, जहाँ तक आपको नहीं निकालने अपने आलू प्याज। जब अच्छी खासी रेट आ जाए मार्केट में आलू प्याज की, तब आप आलू प्याज को निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं आपको इस बिजनेस में किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो आपको इस बिजनेस के अंदर एक दुकान और गोडाउन की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप इस दुकान और गोडाउन को भी आपको लेनी होगी केवल सब्जी मंडी के अंदर। अगर आप सब्जी मंडी के अंदर नहीं लोगे, अगर कहीं ना कहीं और जगह पर लोगे तो आपके पास ग्राहक नहीं आ पाएंगे। इस वजह से आपको सब्जी मंडी के अंदर ही दुकान और गोडाउन लेने हैं। आपका माल वहीं से निकल जाएगा, वहीं पर आप माल मंगवा सकते हो डायरेक्ट कोल्ड स्टोरेज के अंदर से, और वहीं से आप डायरेक्ट माल भी बेच सकते हो। और आपको GST नंबर और अपनी फर्म कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बस इन्हीं कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है आपको इस बिजनेस के अंदर। अब बात करते हैं आप अपने माल को कहाँ कहाँ पर बेच सकते हो और आपके ग्राहक कौन कौन बनेंगे। तो इनमें से आपके सबसे ज़्यादा ग्राहक बनेंगे होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, सब्जी मंडी वाले, ठेले वाले, ये सब आपके ग्राहक हैं। लेकिन ये अलग अलग तरीके के आलू खरीदते हैं। जैसे कि आपको सब्जी मंडी में तो हर तरीके के आलू बिक जाएंगे, छोटी साइज होगी, बड़ी साइज होगी, कोई से भी साइज़ की होगी ये चल जाएंगे। लेकिन होटल वाले होते हैं, रेस्टोरेंट वाले होते हैं, इनको अलग तरीके के आलू चाहिए होते हैं, क्योंकि इनकी सब्जी जो बनाते हैं उसमें कुछ अलग टेस्ट आता है। आपने देखा होगा कभी भी तो ये जो बनाते हैं और आप अपने घर पे बनाते हो वो टेस्ट नहीं बन पाता, तो इनको अलग अलग तरीके के आलू चाहिए होते हैं। आप इनसे पूछ के देख सकते हो भाई इस तरीके के आलू मार्केट से उठा सकते हो आप,
फिर जब बढ़ जाए तब आप यहाँ पे निकाल सकते हो। और आपको हलवाइयों से अच्छा खासा कॉन्टेक्ट रखना है, क्योंकि जब भी कोई शादी होती है, कोई भी छोटी मोटी पार्टी होती है, तो वहाँ पर आलू प्याज की अच्छी खासी डिमांड होती है। अगर आपका हलवाइयों से अच्छा खासा कॉन्टेक्ट होगा तो अच्छी खासी मात्रा में आपके आलू प्याज निकल जाएंगे। तो इसलिए आपको अच्छा खासा कॉन्टेक्ट रखना है हलवाइयों से। अच्छे आप अपने कार्ड छपालो, छोटे छोटे हर हलवाई को दे दो, हमारे का ये बिजनेस है, हमारा ये गोदाम यहाँ पर है, सब कुछ यहाँ पर है, आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप डायरेक्ट यहाँ पर भेज सकते हो, हम इतना माल भिजवा देंगे। इस तरीके से आपको अच्छा खासा कॉन्टैक्ट करना है हलवाई लोगों से। अब बात करते हैं आपका इस बिज़नेस में कितना इन्वेस्टमेंट होगा। तो कम से कम आपका इस बिज़नेस में 1.5 से 2 लाख रुपए का तो इन्वेस्टमेंट होगा ही सही, क्योंकि आपको दुकान और गोडाउन रेंट पे लेनी होगी, तो आपको 3-4 महीने का पहला भाड़ा देना होगा उसको, तभी आपको रेंट पर दुकान देगा। इसके साथ साथ आपको कोल्ड स्टोरेज भी रेंट पर लेना होगा, आपको उसमें भी पैसा देना होगा, फिर आपको आलू प्याज भी खरीदने होंगे तो उसमें भी पैसा लगेगा। तो कम से कम आपका जो मान लो 1.5 से 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट तो होगा इस बिज़नेस के अंदर। और आप अपन बात कर लेते हैं इसमें आपका प्रॉफिट कितना होगा, आप इसमें कितने पैसे कमाओगे। तो इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी ख़रीदारी के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना सस्ता माल खरीदोगे और जितना महंगा माल बेचोगे उतना आपका प्रॉफिट होगा। जैसे कि आपने खरीदा 10-12 रुपये 5-6 रुपये किलो के हिसाब से आलू प्याज, फिर मार्केट में बेच दिया 30-40 रुपये किलो के हिसाब से आलू प्याज, तो इतना अच्छा प्रॉफिट इसमें। डिस्क्रिप्शन में 3 वीडियो के लिंक है, तीनों वीडियो को जरूर देख के जाना, मार्केटिंग की बहुत टॉप की वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन पर क्लिक करना, तभी आपको हमारी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आ पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो।